अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दबाएं बेल आइकन और देखें वीडियो सबसे पहले। मित्रों, आज शुक्रवार एक कहानी की चर्चा कर रहे हैं। सर्दी की एक रात में दो साधु एक धर्मशाला में पहुंचे और वहां ठहरे। दोनों के पास एक एक कंबल था। ये कंबल उनको उनके भक्तों ने दिया था। एक साधु ने यह सोचकर कि उसका कंबल को चोरी ना कर ले, उसने अपने सिर के नीचे तय करके रख लिया और सो गया। दूसरे साधु ने देखा कि सर्दी की रात में कुछ लोग सर्दी से ठिठुर रहे हैं। उनमें एक बच्चा सर्दी से ज्यादा ठिठुर रहा है। उसको दया आ गई। उसने अपना कंबल उस बच्चे के शरीर पर डाल दिया। सवेरा हुआ, दोनों के पास कंबल नहीं था। जिसने अपनी मर्जी से बच्चे को उड़ा दिया था, उसे कोई दुख नहीं हुआ। जिस साधु ने कंबल संभाल कर अपने सिर के नीचे रखा था, उसे चोर उठा कर वह बहुत दुखी हुआ। हाय, मेरा इतना महंगा कंबल चोरी हो गया, वह रोने लगा। यहां हमें यह पता चलता है कि जो कंबल के प्रति असक्त था, वो साधु को दुखी हुआ और रो कर आ। जो साधु असक्त नहीं था, वह दुखी नहीं हुआ। जिस साधु के मन में आसक्ति नहीं थी, वह रात को बड़े आराम से सोया। जो कंबल के प्रति आसक्त था, वो बीच बीच में करवट बदलता रहा, बेचैन रहा, क्योंकि उसे डर था कि उसका कंबल कोई उठा ना ले जाए। इस छोटी सी घटना से हमें यह ज्ञात होता है कि यह संसार बुरा नहीं है, हमारा उससे लगाव रखना बुरा। यदि जीवन में शोक, भय, दुख आदि रोगों से छुटकारा चाहिए, तो अपने अंदर के मोह को खत्म करो, आसक्ति को खत्म करो, तभी दुख से मुक्ति मिल सकती है, वरना तो यह सब तुम्हारे साथ लगा रहेगा। अगर आप सोचो कि सुख किसको मिलेगा, तब आप ये कह सकते हो कि सुख उसको मिलेगा जिसका हृदय शांत है। अब बात यह आती है कि हृदय किसका शांत है, जिसका मन चंचल नहीं है। अब आप ये भी कह सकते हो कि मन किसका चंचल नहीं है, जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं या इच्छा नहीं है। या अभिलाषा या इच्छा किसकी नहीं है, सुखी नहीं है जिसकी वस्तु में आसक्ति नहीं है। अब हम ये भी कह सकते हैं, आसक्ति किसे नहीं है, आसक्ति किसे नहीं है जिसकी वस्तु में मोह नहीं है या जिसके अंतर में मोह नहीं है। मोह दुख को निमंत्रण देता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हमें निराशक्त रहकर जीवन जीना चाहिए, मोह को अपने पास आना देना चाहिए। मोह सारे दुखों का कारण है। अगले सप्ताह हम किसी नई कहानी को लेकर आपसे बात करेंगे। हरि हरि।